दें कि बहादुरगढ़ से मामला सामने आया है, जहां पर एचएसवीपी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है। टीम ने कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर चेक किया है, इसके साथ ही एक गैर हाजिर कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधिकारियों से सीएम विंडो की पेंडेंसी रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, बहादुरगढ़ के एचएसवीपी कार्यालय में ये सीएम फ्लाइंग की रेड, जहां पर कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया और गैर हाजिर कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। सीएम विंडो की पेंडेंसी रिपोर्ट भी अधिकारियों से मांगी गई है। बहादुरगढ़ से मेरे सहयोगी प्रवीण धनखड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जब सीएम फ्लाइंग की टीम यहां पर पहुंची तो क्या कुछ तस्वीर सामने आई, और जिस तरह से बता रहे हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया गया है? सीएम फ्लाइंग टीम को साफ लेकर दोनों में कार्रवाई की है। हाजिरी रजिस्टर का सबसे पहले चेक किया गया, फिर जो मौके पर लोग आए थे उनसे उनकी ग्रीवेंस जाने की, पहुंचाना ये भी है कि कार्य समय पर हो रहा है नहीं हो रहा। कुछ त्रुटियां मिली है, कोई दो तीन दिन से लोग भटक रहे हैं, ऐसी भी कुछ शिकायतें मिली है। एक कर्मचारी गैर हाजिर पाया गया, नहीं आए थे चित रहे, और जो पेंडेंसी रिपोर्ट है सीएम विंडो की पेंडेंसी रिपोर्ट कहें या फिर कंप्लीशन और ट्रांसफर परमिशन होती है उनकी पेंडेंसी रिपोर्ट मांगी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई के लिए सीएम प्रवीण की छापेमारी की रिपोर्ट ऊपर सरकार दी जाएगी। ठीक है, अभी भी जांच जारी है या जांच पूरी हो चुकी है टीम की तरफ से? प्रवीण, अभी भी सीएम प्रवीण की टीम मौके पर जांच कर रही है, और जो पेंडेंसी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को बना दे रही है, पेंडेंसी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सीएम प्रवीण की छापेमारी कार्रवाई पूरी होगी। चले, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जांच अभी भी जारी है, पेंडेंसी रिपोर्ट भी टीम की तरफ से मांगी गई है, उसको भी खंगाला जाएगा। देखने वाली बात होगी और क्या कुछ सामने आता है। एक्शन मोड में यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम नजर आ रही है।